प्यारे बच्चों, संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक से हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका 4th चैप्टर यानी कि चतुर्थ पाठ, और इसका शीर्षक है विद्यालय है, यानी कि विद्यालय तो आप जानते ही हैं सब कि विद्यालय क्या होता है। विद्यालय होता है हमारा स्कूल, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एषः विद्यालय, एषः का मतलब हो गया, ये शब्द आप पढ़ चुके हैं, तो एषः का मतलब हो गया ये है। विद्यालय का मतलब हो गया विद्यालय। अत्र छात्रा, शिक्षकः, शिक्षिकः च सन्ति। अत्र का मतलब होता है यहाँ, छात्रा छात्रः यानी कि विद्यार्थी, शिक्षकः यानी शिक्षकगण, शिक्षिकः यानी कि अध्यापिकाएं, ठीक है, च संति यानी कि है। यहाँ पर विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, ओके। अगली लाइन है, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। अब जैसे आपको इस पिक्चर से पता चल ही रहा है कि यहाँ पे लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं बच्चे, तो ये क्या है, संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर की प्रयोगशाला, लैब है, कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, और ये सब जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये सब क्या है, संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर्स है। देन एतत् यह अस्माकम विद्यालय उद्यानम अस्ति। इट मीन्स ये जो चित्र है ये हमारे विद्यालय का उद्यान है, गार्डन है। उद्याने पुष्पानि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडां पठाम च, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रीडां मतलब खेलते हैं, और पठाम पढ़ते हैं यानी कि यहाँ पर हम खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में ये दो बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं, इस बच्चे का नाम है प्रणव और इस लड़की का नाम है ऋचा, ठीक है। तो ऋचा क्या कहती है, तब नाम किम यानी कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। तो प्रणव कहता है मम नाम प्रणव है, तब नाम किम यानी कि मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा इसको आंसर दे रही है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तो हम पुत्र पढ़सी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कह रहा है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो ऋचा ने कहा अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वम, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अब से हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब से हम दोनों मित्र हैं। आवा मतलब हम दोनों, इदानी मतलब अब से, मित्र स्वय यानी कि मित्र हुए, मित्र हैं, ठीक है। देन शिक्षिका और छात्रा, यानी कि एक शिक्षिका है और छात्रा है यानी कि कई छात्राएं हैं, उनके बीच का संवाद है ये। शिक्षिका कहती है छात्रा मतलब छात्राओं, यूयम किम कुरुत, तुम किम क्या करती हो, ठीक है। तो छात्राएं जवाब दे रही है आचार्य यानी कि मैडम टीचर, वयम गच्छामः, हम जाते हैं, ठीक है, या जा रहे हैं। तो शिक्षिका ने कहा यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, या कहाँ जाते हो। तो छात्राएं जवाब दे रही है वयम सभागारम गच्छाम, हम सब कहाँ जा रही हैं, सभागार में जा रही है। सभागार क्या होता है, ऑडिटोरियम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। देन शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुतः सन्ति, तो शिक्षिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्रा अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, यानी कि हमारी पुस्तकें यहीं पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस चित्र में आप देख लीजिए एक टीचर है और दो बच्चे हैं, ठीक है। तो शिक्षक अन छात्रों, क्योंकि दो छात्र हैं तो छात्रों। तो शिक्षक ने कहा छात्राओं युवाम किम कुरुत, ठीक है, उन्होंने पूछा छात्राओं
युवाम मतलब तुम दोनों, कुरुत किम कुरुत यानी कि क्या करते हो। ठीक है, तो छात्रों दोनों छात्रों ने जवाब दिया आचार्य यानी कि सर टीचर, आवाम हम दोनों, श्लोकम गायाब हम दोनों श्लोक गाते हैं। तो शिक्षक ने शोभनम बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोक न लिखत क्या तुम दोनों श्लोक लिखते नहीं हो। तो छात्रों ने जवाब दिया है आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणी अपि रचियव रचियावह, यानी कि हम दोनों लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, चित्र भी बनाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। ठीक है, तो शिक्षक ने कहा बहु सौगनम यानी कि बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर अपना यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो संगणक यानी यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं इसलिए संगणक यंत्राणि। ठीक है, अस्माकम यानी हमारा हम लोगों का, वयम हम सब, वी तब तेरा, मम मेरा, त्वम तुम, अहम मैं, आई एम आई सेल्फ, ए ही ओनली, अपि ऑल्सो। इदानीम अब से, आवाम हम दोनों, मित्रे मतलब मित्र हुए टू फ्रेंड्स, सुह हम दोनों, यूयम तुम सब, आचार्य शिक्षिका, युष्माकम तुम्हारा तुम लोगों का योर्स। ठीक है, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को संस्कृत में सभागार कह रहे हैं, हिंदी में सभागार कहते हैं, और यहाँ देखिए इसका असेंबली या ऑडिटोरियम यही मीनिंग है। युवाम यानी तुम दोनों, यूटू आचार्य गुरु शिक्षक टीचर, शोभनम अच्छा, गुड फाइन, ठीक है एप्रिशिएट कर रहे हैं इसलिए। देन गाया गाते हैं, हम दोनों गाते हैं, ठीक है वी टू सिंग और सिंगिंग, और रचिया यानी कि हम दोनों बनाते हैं, वी टू मेक। नाउ प्रैक्टिस अभ्यास है, आई तो फर्स्ट है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम योयम, त्वाम युवाम युष्मान, तब युवयो युष्माकम। ओके, सेकंड है निर्देश अनुसार परिवर्तनम कुरुत, यानी कि इसमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो क्वेश्चन अपने को दिया है अहम पठामि यानी मैं पढ़ता हूँ, इसको हमें चेंज करना बहुवचन में, और इन्होंने किया है इसको वयम पठामि यानी कि हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जस्ट अ मिनट, यस अहम नित्यामी यानी कि मैं नाचता हूँ, तो अहम का प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएगा वयम, और नित्याम है बिल्कुल ऊपर की तरफ। ठीक है, देन तुम पठसी तुम पढ़ते हो, इसका बहुवचन हो जाएगा, तुम का तो हो जाएगा यूयम और पठत। ठीक है, फिर युवाम क्रीडित है यानी तुम दोनों खेलते हो, इसका एक वचन करना है तो तुम क्रीडसी। ओके, देन आवाम गच्छाम आवाम गच्छावह यानी कि हम दोनों जाते हैं, तो इसका बहुवचन हो गया वयम गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि यानी हमारी पुस्तकें, इसका एक वचन बनाना है तो मम यानी मेरी पुस्तकम। ओके, और तब गृहम यानी कि तुम्हारा घर, अब इसका द्विवचन बनाना है तो युवयो गृह गृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठकात उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि कोष्ठक जो मैं जो उचित शब्द दिए हैं उनसे उठाकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पठामि, ठीक है तो पठामि, पठामि के साथ आएगा अहम, अहम पठामि। देन गच्छतः, तो गच्छतः के साथ आएगा युवाम, एतत् डॉट डॉट पुस्तकम, ठीक है तो एतत् मम पुस्तकम। देन क्रीड क्रीडन कानी यानी कि खिलौने, तो किसके खिलौने हैं,
तो युष्माकम तुम्हारे खिलौने, देन आवाम छात्रे स्वय, यानी कि हम छात्र हैं, ऐशा तब तुम्हारी लेखनी, यानी कि ये तुम्हारी लेखनी है, तुम्हारा पेन है, देन क्रियापदई वाक्यानि पूर्यत, यानी कि इन क्रियापदों से वाक्य को पूरा करना है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया आपने को अहम पठामि, यानी मैं पढ़ता हूँ, तुम के साथ क्या आएगा, तुम पठसी, ओके, आवाम आवाम के साथ हो जाएगा गच्छावः, देन यूयम यूयम पश्यतः, यूयम पश्यत, अहम लिखामि, युवाम क्रीडतः, और वयम धावम, ओके। नेक्स्ट है उचित पदे वाक्य निर्माणम करोति, यानी कि उचित पद ढूंढकर आपको वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। तो जैसे एषा मम पुस्तिका एक बना के दिया है, तो ऐसे ही एतत् एतत् मम गृहम, यानी कि ये मेरा घर है, ठीक है। आव्यो मैत्री दृढ़ा, यानी हमारी मैत्री दृढ़ है, ओके। एषः युवियो विद्यालय है, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषः तब अध्यापिका, ठीक है। ऐसे ही भारतम अस्माकम देशम, अस्माकम, ठीक है, अस्माकम का मतलब हमारा। और एतानी युष्माकम युष्माकम पुस्तकम, ये सब तुम्हारी पुस्तक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है एक वचन पदश बहुवचन पदम, बहुवचन पदश एक वचन पदम च लिखत, ठीक है, यानी कि एक वचन पद का बहुवचन पद लिखना है और बहुवचन पद का एक वचन लिखना है, ठीक है। तो स एक वचन है तो इसका हो जाएगा ते, ता बहुवचन है तो इसका हो जाएगा सा, एता एता बहुवचन है तो इसका हो जाएगा एषः, त्वं सिंगुलर है एक वचन है तो इसका हो जाएगा यूयम, यूयम, देन अस्माकम होता है हमारा तो इसका हो जाएगा मम, तब यानी कि होता है तुम्हारा, इसका बहुवचन हो जाएगा युष्माकम, और नेक्स्ट है एतानी, तो एतानी का हो जाएगा आपका एतत्, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्तालापे रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि वार्तालाप में जो वार्तालाप यहाँ पर दिया गया है, मतलब वार्तालाप क्या होता है, एक कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, हिंदी में या संस्कृत में इसको वार्तालाप कहेंगे, बातें, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये कि प्रियंबदा, प्रियंबदा कह रही है शकुंतले तुम क्यों करोसी, तुम क्या करती हो। तो शकुंतला ने कहा प्रियंबदे, तो क्या आएगा शब्द, क्या आएगा, तो मैं के लिए शब्द हो गया अहम, अहम नित्यामि, तुम किम करोसी, ठीक है, तुम क्या करती हो। तो प्रियंबदा ने फिर से जवाब दिया शकुंतले अहम, मैं गाती हूँ, किम त्वम, क्या तुम नहीं गाती हो। तो शकुंतला कह रही है प्रियंबदे अहम, मैं नहीं गाती हूँ, ना गायामि, ठीक है, अहम तो नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ। तो फिर से प्रियंबदा ने कहा शकुंतले किम त्वम माता नृत्यंती, क्या तुम्हारी माता डांस करती है, नृत्य करती है,
तो शकुंतला ने कहा, आम, हाँ, मम माता, ठीक है, मेरी माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंबदा ने फिर कहा, साधु, बहुत अच्छी बात है, आवाम यानी हम दोनों, चलाव हम चलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त उपयुक्तेन अर्थेन सह सोजयत योजयत, सॉरी। तो ये कह रहा है शब्द के उपयुक्त अर्थ के साथ इनको अपने को मिलाना है कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो सा, सा का मतलब आप पढ़ चुके हो, सा का मतलब वह स्त्रीलिंग, ठीक है। तानी, तानी का मतलब होगा बे, नपुंसक लिंग में। देन अस्माकम, अस्माकम का मतलब, अस्माकम का मतलब होगा हमारा, ठीक है। यूयम का मतलब होगा तुम सब। आवाम का मतलब होगा हम दोनों। मम का मतलब होगा मेरा। युवियों का मतलब होगा तुम दोनों का। और तब का मतलब होगा तुम्हारा, तुम्हारा ऊपर होगा इसमें, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ओके। तो ये चैप्टर पार्ट फोर्थ जो था विद्यालय, ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें नए चैप्टर में और लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।